आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला से गंगाधार की राह अभी भी आसान नहीं हुई। अंडरपास के कार्य में लेट लतीफी का खामियाजा जनता भुगत रही है। आमजन को 4 से 5 किमी का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा। वही अंडरपास के पास रहवासियों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। घर का दरवाजा खुल रहा अंडरब्रिज के गड्ढे में, लेकिन जुम्मेदारों के कान पर जूतक नहीं रेखी है। गुरुवार को समस्त व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक के नाम स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देकर कार्य शीघ्र तेज गति से पूरा कराने की मांग की है। साथ ही 2 दिन अंडरपास में दोपहिया वाहन का आवागमन शुरू करने को कहा। यदि 2 दिन में दोपहिया वाहन का आवागमन शुरू नहीं किया गया तो 8 जुलाई सोमवार से रेलवे प्लेटफॉर्म के समीप अनिश्चित भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस अवसर पर व्यापार महासंघ संयोजक दिलीप जैन, खाद्य किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया, रेडीमेड व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र कालरा, होटल व्यवसाय राजेश जैन, फुटवेयर व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश तिवारी, हार्डवेयर व्यापार संघ अध्यक्ष मकसूद अली बोहरा, बर्तन व्यवसाय संघ से विनोद जैन, आदित्य कटारिया मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। ये जो चौमेला में निर्माणाधीन अंडर ब्रिज जो है 6 माह से निर्माण कार्य चल रहा है, उसके संबंध में जो आवागमन के लिए रास्ता दोपहिया वाहन को चालू करे ताकि चौमेला का जो आम नागरिक व व्यापार व्यवसाय प्रभावित है वह पुनः अपनी स्थिति में गति पकड़े, इसके लिए आज हमने एक समस्त व्यापार संघ चौमेला के तत्वाधान में ज्ञापन प्रदान किया, जिसमें हमारी मांग है कि कार्य को गति से पूरा करें व हमें दो पहिया वाहन निकालने के लिए वहां से रास्ता प्रदान करें। और अगर 2 दिन का समय हमने इसमें दिया है कि 2 दिन में हमें अगर किसी प्रकार से निकलने का रास्ता नहीं दिया तो हम 2 दिवस पश्चात प्लेटफार्म के बाहर अनिश्चितकाल के लिए चौमेला बंद करके प्लेटफार्म रेलवे प्लेटफार्म पर भूख हड़ताल पर सभी व्यापारी जितने भी व्यापार संघ के हैं वो चालू करेंगे। 2 दिवस का हमने समय दिया है इसमें।